अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ $1 शॉप का विज़िट, जहाँ पे हर चीज़ होगी 200 की, ठीक है? और बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा जी, $1 शॉप की बात की जाए तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे $1 स्टोर्स बने हुए हैं, जिसमें हर चीज़ आपको $200 के अकॉर्डिंग मिलती है। आजकल 200+ है, तो इसके अराउंड ही हर डॉलर शॉप है ना अवेलेबल है। बट जहाँ जो मैंने विज़िट किया था ना, मेरे घर के करीब बेसिकली ये एक नया $1 शॉप खुला था, तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं इसको ज़रूर जाके विज़िट करूं। और जब मैंने इसे विज़िट किया तो यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉयज़ थी और स्टेशनरी थी। खैर, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, यू नो, इन एवरी सेक्शन, क्रॉकरी के, ज्वेलरी में, मेकअप में, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बट मेरा जो मेन फोकल पॉइंट था वो था स्टेशनरी, मतलब बच्चों की चीज़ों को लेके ना, टॉयज़ और स्टेशनरी। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेशनरी के ही सेक्शन में आई, बिकॉज़ आई वॉन्ट टू बाई समथिंग फॉर माई किड्स, और 200 में सब कुछ, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और मज़े की बात यह है कि स्टेशनरी वाली सेक्शन में 50 की भी थी, 100 की भी थी। सो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल था ना और रीज़नेबल था। सो मैंने बच्चों के लिए कुछ कलर्स वगैरह देखे, कुछ कलरिंग बुक्स देखी, कुछ एक्टिविटी की चीज़ें देखीं कि जो बच्चों के लिए थोड़े से यूज़फुल हों। और सीरियसली क्वालिटी वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं टॉय सेक्शन पे आ गई। टॉय सेक्शन में क्ले थी, ये देखें इस तरह। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी और इतनी वैरायटी थी टॉयज की, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, और देखने में बिल्कुल भी लाइक वो नहीं लग रहे थे कि 200 वाले टॉयज है ना। सो देखिए यहाँ पे इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें थी, क्रॉकरी थी, कंटेनर्स थे, बॉक्सेस थे, जार्स थे, ये देखें बॉल्स भी अवेलेबल थी। और ये इस तरह के टॉयज हैं कि क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, सही है। और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि बच्चों को इतनी एक्सपेंसिव टॉयज लेने से बेहतर है कि बंदा बच्चों को ऐसे टॉयज ले दे, क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ एक दिन खेलना होता है और वेरी नेक्स्ट डे बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो वाला टॉय कहाँ गया और कहाँ नहीं। सो और मज़े की बात बताऊँ कि ये वाला जो किचन सेट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने कुछ अरसे पहले, 6-7 मंथ्स पहले की बात है, कि एक शॉप से 700 का लिया था और यहाँ पे 200 का पड़ा हुआ था। अब मुझे, मैं तो गम में ही चली गई ना कि यार मैंने इतना महंगा ले लिया, इतना ज़्यादा, यू नो, डिफरेंस, कैन यू इमेजिन, 200 से। और ये नहीं कि क्वालिटी डिफरेंट थी, सेम ये एज़ इट इज़ यही चीज़, एंड आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। बहरहाल, महंगाई के इस दौर में अगर आपको 200 में चीज़ मिल रही है ना, तो मैं कहती हूँ ये तो तोहफे से कम नहीं है ना आपके लिए। सो आप लोग जाएं अपने इर्द गिर्द के एरियाज़ में, अगर $1 शॉप हैं तो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अगर आप इस शॉप को विज़िट करना चाहते हैं तो डू कमेंट मी, मैं कमेंट में इसका एड्रेस आप लोगों को बता दूंगी और सब कुछ। और सबसे इजी चीज़ ये है कि ऑल थिंग्स इन वन शॉप, यू नो, इसमें यहाँ तक के स्नैक्स तक भी पड़े हुए थे, शैम्पूस थे, सोप्स थे, इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, बच्चों की जेलीज, निम्को, क्रैकर्स, इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल थी। तो बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत हो जाती है कि आपको एक ही जगह से सब कुछ ईजीली मिल जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम स्टफ़ टॉय बाय कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे जी कौन सा वाला लें, तो मेरी बेटी को ये ग्रे वन पसंद आया था तो उसने यही वाला पिक किया। देखें इनकी पैकिंग से और इस इनकी ना देखने में, कहीं से ये लग रहा है कि ये 200 के हैं। और यहाँ पे डॉल हाउसेस भी थे, वो भी मैं देख रही थी कि कितने अच्छे और रीज़नेबल पड़े हुए हैं ना। तो ये वाला ना बहुत ही क्यूट था, ये वाला उसने पसंद किया। मुझे खैर ये ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा था, स्लीपी बेबी, लेकिन उसने ना वो ग्रे वाला ही लिया। खैर, बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और बच्चों को अपनी पसंद की चीज़ ले के दे देनी चाहिए।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बच्चों की प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं, सॉक्स पड़ी हुई थी, कैप्स पड़ी हुई थी, शर्ट्स अवेलेबल थी, शूज़ थे, घर में पहनने वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो थे, बाथरूम मैट्स थे, और क्लीनर्स थे, किचन क्लीनर्स थे, और इसके अलावा भी बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बर्थडे आइटम्स थी, जिस तरह बलून्स थे और पार्टी पॉपर्स थे, स्नो स्प्रेस थे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और जस्ट इन 200 रुपीज़, कितना ही देखें इकनॉमिकल है। और इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटी सेक्शन में मेकअप था, मेकअप में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे लिपस्टिक्स, ग्लोज, आई मेकअप्स और फाउंडेशन, बेस और इस तरह की बहुत सी नेल पॉलिशेस, और फेशियल किट्स थे, हेयर मास्क थे, फेस मास्क थे, स्क्रब्स थे, हेयर कलर भी अवेलेबल था यहाँ पे। और इसके अलावा जो था ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जिसमें इयररिंग्स, पेंडेंट्स और रिंग्स बहुत ज़्यादा थी, पूरे पूरे 15-15 के पेयर्स थे इयररिंग्स के, ना टॉप्स जो होते हैं उस तरह के, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है, यू कैन हेयर पिंस थी, हेयर एक्सेसरीज थी भड़ों की भी ना, तो आप वो भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी डेली बेस पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो भी सारी, इवन के यहाँ तक के झाड़ू तक भी अवेलेबल था यहाँ पे, वाइपर्स, झाड़ू वगैरह। अच्छा, मैं मेकअप सेक्शन और ज्वेलरी सेक्शन की वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी, और क्रॉकरी सेक्शन की, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने सिर्फ जो चीज़ें बाय की वो मैंने कहा मैं एंड में घर जाके ना आप लोगों को दिखा दूँगी। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग घर चले गए थे, और बस बच्चों की चीज़ें ली कुछ, और उसके साथ ना क्रॉकरी की थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली, वो भी मैंने बच्चों के लिए ली, मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे थे ये प्लेट्स ली, और ये छोटे छोटे से मैंने ना बाउल्स लिए रेसिपीज़ के लिए, और इस तरह की ना ये तीन चार चीज़ें ली। अच्छा, एलोवेरा जेल पड़ी हुई थी वहाँ पे बड़ी अच्छी ना, ये भी 200 की ही थी, तो मैंने ये भी ले ली ना, मैंने कहा ट्राई करके देखूँगी, और ये देखें ये प्लेट्स ली। अच्छा, होप यू लाइक दिस वीडियो, यहीं पे मैं वीडियो का करती हूँ एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।